मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा जी, NDA गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा। क्या होगा भविष्य, क्या होगा? कुछ लोग बिहार में हैं जो हुलुक बुलुक करते हैं, हुलुक बुलुक समझते हैं ना, लोग बिहार में हैं कि नीतीश जी को गाली देते हैं और लालू यादव तेजस्वी यादव की बड़ाई करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाजीपुर दूसरे को है क्या जी? जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि तुम जमुई की जनता को छोड़ के क्यों आ रहे हो? मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आगामी 18 जुलाई को NDA की बैठक होनी है और BJP अपने कुनबा को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, इनसे बात करेंगे। आपको भी निमंत्रण आया होगा, क्या लग रहा है कि महागठबंधन का जोर और टक्कर आप लोग दे पाएंगे? मुझको निमंत्रण भी आया टेलीफोन से, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने 5 तारीख को ही कहा था जी, और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नड्डा जी का टेलीफोन आया, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि NDA गठबंधन के सामने में UPA गठबंधन कुछ नहीं है, नीतीश कुमार लालू यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये देश की राजनीति है, बिहार की राजनीति नहीं है जी। ये देश की राजनीति है और देश निर्णय लेता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे आज के तारीख में परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के नेता के साथ साथ पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। अमेरिका जैसा कंट्री का राष्ट्रपति को महसूस होता है, और उसने कहा कि सर आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप इतने ही हैं कि हमारी इच्छा होती है कि आपका हम फोटोग्राफ लें। वहीं आप देखिए दूसरे देश का राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल को तोड़ के उनको पैर छू के प्रणाम किया। और आज 9 वर्षों में आप देखिए भैया, यही 10वां वर्ष शुरू हुआ, 9 वर्ष में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए जी, ये शायद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड का नारा स्वर्गीय पासवान जी दिए थे, आज जो चरितार्थ है 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री में देश में फ्री में अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उसी तरह से अब देखिएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, उसको भी जीने का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो और अमीर हो, दोनों को जीने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया गरीब के इलाज कराने के लिए उन्होंने दिया, और जिसके चलते आज परिणाम है कि करोड़ों लोग मौत के मुँह से निकल गए। उसी तरह से आप देखिएगा जो बेरोजगार नौजवान युवक हैं, उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, 10 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात की, और मिल भी रहा। ये 5वां महीना है, 22 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ पटना में जी रोजगार मेले में नौकरी अपॉइंटमेंट देने के लिए। चौथी बात आप देखिएगा जो किसान है, किसान को उन्होंने सब्सिडी देने काम किया, 6,000 रुपया पर, मतलब काम हो रहा है। 9 वर्षों में जो काम उन्होंने किया मैं आपको गिना रहा हूँ जी, किसान को उन्होंने सब्सिडी देने काम किया। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया था पूरे देश में, मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी थी, और खास करके आप बिहार से आते हो, मैं भी बिहार से आता हूँ जी, बिहार में मेडिकल कॉलेज की काफ़ी कमी थी। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में मेडिकल कॉलेज, दर्जनों मेडिकल कॉलेज खोलने और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का आदेश दिया। जो गरीब लोग हैं, जो विधवा है, उनको उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन किया, जैसे रोड है, बिजली है, सड़क है, फ्लाइट की सेवा है, मतलब जहाँ भी आप देखिए, जिधर भी घुमा के देखिए, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किया हुआ सबके नज़र में आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा जी, NDA गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा, और देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे। चिराग पासवान, जीतन रामान जी, सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है सर, यह तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कहाँ है भाई? जो लोग जी NDA के समर्थक लोग हैं जी, उन लोगों को भाजपा के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, और कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा? कुछ लोग बिहार में हैं
जो हुलुक वुलुक करते हैं, हुलुक वुलुक समझते हैं ना, इधर उधर, हाँ इधर उधर करते हैं जी, कुछ लोग बिहार में हैं कि नीतीश जी को गाली देते हैं और लालू यादव तेजस्वी यादव की बड़ाई करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। चिराग पासवान, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे भी लोग हैं। और ये तो भाजपा फैसला करेगी, एनडीए बड़ी पार्टी है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है जी, भाजपा फैसला करेगी किनको एनडीए गठबंधन में लेना है और किनको गठबंधन में नहीं लेना। हाजीपुर आपके पास ही रहेगा या इधर उधर हो सकता कौन है? कौन कहता है जी, हाजीपुर मेरे पास रहेगा, हाजीपुर के सांसद मैं हूँ जी। और रामविलास पासवान जो बड़े भाई मेरे थे, जब वो स्वर्गवास होने के पहले उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी हाजीपुर को बना के वो गए, और मैं हाजीपुर के सांसद भी हूँ, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। और हमारा जो सीट है जी, देखिए जब गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म का है, सीटिंग गेटिंग होता है। सीटिंग गेटिंग, सीटिंग गेटिंग जो सीटिंग शब्द है, जो सीटिंग है उसमें किसी का बदल नहीं होता, किसी का मतलब कोई उसमें दखल नहीं दे सकता है। तो हम जो 5 सांसद हैं, हमारा जो हाजीपुर है वो हमारे कब्जे में है और रहेगा, और किसी को कुछ कहने होने से कोई, हाजीपुर दूसरे को है क्या जी? जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि तुम जमुई की जनता को छोड़ के क्यों आ रहे हो? जिस जमुई की जनता ने रोड से उठा करके आपको सांसद बनाया, पहचान दिया, उस जमुई की जनता को आप क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो हाजीपुर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो हाजीपुर की जनता की मैं सेवा 77 से किया हूँ, आगे भी करते हैं, 1977 से मैं किया हूँ और आगे भी मैं करूँगा। और मैंने घोषणा किया है जी, जब तक मैं राजनीति में जीवित रहूँगा जी, एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूँगा। पटना में पुलिस खूब लाठीचार्ज की है, बीजेपी के कई नेता घायल हुए हैं, आरजेडी वाले तो करे कि सब बाप बाप कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और परसों की जो घटना हुई जी, ये घटना मुझको याद दिलाता है इमरजेंसी के समय में, जब देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था, और इमरजेंसी के समय में जो पुलिस की लाठियाँ बरसती थी उसमें हम लोग भी थे, हम लोगों का भी हाथ टूटा था। अच्छा, आपका भी हाथ? हाँ, पुलिस की लाठियाँ लाठी बरसा करता था वो। पुलिस पहले ज़माना में क्या होता था, पुलिस लाठी चार्ज करती थी तो पीछे पैर पर मारती थी जी। परसों मैंने देखा कि सीधे सर पर मार रहा, जिसके चलते सिग्रीवाल साहब जो सांसद हमारे हैं जी, उनका सर फट गया, अभी भी हॉस्पिटलाइज है। मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा, हॉस्पिटल में जाऊँगा। तो ये परसों की घटना बहुत ही दुखद है, और इसी के आक्रोश में कल एनडीए के तमाम लोग, जहाँ उनका विजय सिंह का जहाँ दाह संस्कार हुआ, आप ही के जिला के हैं, दाह संस्कार हुआ फतुहा में, वहाँ सभी लोग गए, हमारी पार्टी के भी सांसद है प्रिंस राज जी, चंदन सिंह जी, हमारे दल के विधान पार्षद भूषण राय जी, और तमाम कार्यकर्ता वहाँ भी गए, और महामहिम राजपाल महोदय से भी मिलने के लिए एनडीए ग्रुप में लोग गए, और महामहिम राजपाल जी को एनडीए के नेताओं ने ज्ञापन दिया कि ये बहुत ही दुखद घटना है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो राजतंत्र है, राजतंत्र में ऐसा हुआ करता था, इसलिए उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।